বক্ষেশ্বর কঙ্কালি তলা এবারে মূল্য রামালা পুরে। কলকাতা अंग्रेजों के जमाने की इमारतें, पुराने ट्राम और सड़कों पर जाम, और यही वो शहर है जहां साल 1984 में भारत की पहली मेट्रो शुरू हुई थी, लेकिन अब इसे एक नया चमक दमक वाला रूप दिया जा रहा है। नई ईस्ट वेस्ट मेट्रो लाइन के अंडरग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन हो गया है। ये भारत की सबसे पहली अंडरवाटर मेट्रो लाइन है और ये नीली रोशनी हमें ये दिखाती है कि हम हुगली नदी के लगभग 100 फीट नीचे है। ये हिस्सा लगभग 500 मीटर लंबा है जो कोलकाता को हुगली के दूसरे किनारे पर हावड़ा से जोड़ता है। भारत में बड़ी लागत वाले कई मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है, ये उन्हीं में से एक है। इससे कोलकाता के जबरदस्त भीड़ भाड़ वाले रास्तों पर जाम से राहत मिलेगी। इससे 30 मिनट का रास्ता महज 5 मिनट में तय होने की उम्मीद है। लेकिन इस मेट्रो को बनाने में कई चुनौतियां पेश हुई। यहाँ की सॉइल की कंडीशन टाइडल रिवर और समुद्र के पास होने की वजह से जगह जगह बदलती है और उसके लिए उसकी अच्छे से जांच करना जरूरी था। ये बहुत पुराना शहर है, पुरानी जर्जर इमारतें हैं, उसके नीचे से सुरक्षा पूर्वक लोगों की जान माल को खतरा किए बिना टनल ले जाना एक दूसरा चैलेंज था। जो यात्री पानी के अंदर सुरक्षा को लेकर परेशान थे, उनकी आशंका मिटाने के लिए एक 15 मंजिला शाफ्ट भी तैयार किया गया है। ये करीब 44 मीटर गहरा है और भारत में सबसे गहराई में स्थित मेट्रो शाफ्ट माना जाता है। इसके दो मकसद हैं। पहला ये कि किसी भी हादसे की सूरत में पैसेंजरों की सुरक्षा होगी, जैसे कि टनल में ट्रेन का ब्रेकडाउन होने पर या फिर आग लगने की सूरत में। वैसी हालत में पैसेंजर इस टनल से शाफ्ट के जरिए सुरक्षित निकाले जा सकेंगे, साथ ही इससे वेंटिलेशन भी हो सकेगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री मोदी ने बीते कुछ महीनों में पूरे देश में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है, जिससे भारत की जीडीपी नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। लेकिन जैसा कि नवीनतम आंकड़े बताते हैं, प्राइवेट सेक्टर अभी भी निवेश नहीं कर रहा है। भारत में बुनियादी चीजों की खपत 20 साल के निचले स्तर पर है। बुनियादी ढांचों पर जोर के बावजूद चुनाव से पहले सरकार के लिए ये चिंता की बात है। निखिल इनामदार, BBC News, कोलकाता।